हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक समर रिफ्रेशिंग आम पन्ना ड्रिंक विच इज़ सुपर टेस्टी। एंड गाइस, देर आर सेवरल वेज टू मेक दिस आम पन्ना, बट डू वॉच माय वीडियो बिकॉज आई हैव यूज्ड अ वेरी डिफरेंट टेक्निक टू मेक दिस एंड इट इज़ सुपर टेस्टी। तो मैंने यहाँ लिए हैं 3 छोटे साइज़ की अमियाँ। आप अगर आप बड़ी अमियाँ ले रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप साइज़ अपना एडजस्ट कर लीजिए। और इसका हम टॉप रिमूव कर देंगे। मेक श्योर आपने अमियाँ बहुत अच्छे से वॉश कर रखी हैं। अब उसके बाद एक पीलर की हेल्प से मैं इसे पील कर दूंगी। नाउ पीलिंग इज़ एब्सोल्युटली ऑप्शनल। आप या तो डायरेक्टली इसे उबाल दीजिए विद द स्किन। मैं इसे पील करके उबालना थोड़ा प्रेफर करती हूँ। तो अब हम एक कुकर लेंगे और उसके अंदर डालेंगे अपनी अमिया, और उसके साथ हम उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 2 कप पानी। अब इसको हम बॉयल करेंगे, 3-4 सीटी लगाएंगे इसमें हाई फ्लेम पर। 3-4 सीटी मोर देन इनफ है अमिया को गलाने के लिए। अब उसके बाद जब हम कुकर खोलेंगे तो हमारी अमिया गल चुकी है। हम इसका पानी सेपरेट कर देंगे अमिया से। इसका पानी आप अपने ड्रिंक में यूज़ कर सकते हो ठंडा करके ऑफ कोर्स। अब हम अमिया को साइड रख देंगे ठंडा करने के लिए। तब तक हम अपना पुदीने का सल्यूशन तैयार करेंगे। तो 1/4 कप मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। उसके अंदर मैंने 1/2 कप चीनी डाली है, दानेदार चीनी है, ग्रैन्यूलेटेड शुगर। और उसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक एंड 1/4 कप वाटर। अब स्पून की हेल्प से आपको इसे अच्छे से चलाना है। जैसे हम मोइतो में मिंट का फ्लेवर ब्रेक करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे। ये टेक्निक बेसिकली इंश्योर करेगी दैट यू गेट द फुलेस्ट फ्लेवर ऑफ पुदीना इन योर ड्रिंक। सो प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस स्टेप। अब ये अच्छे से जब हो जाएगा तब आप इसको साइड रख दीजिए। अब हमारी अमिया भी ठंडी हो गई है, तो इसके अंदर जो बीच में गुठली होती है वो हम बड़ी केयरफुली रिमूव कर देंगे और अपना मैंगो पल्प हमारा रेडी है। तो अब ये मैंगो पल्प हमारा जाएगा ग्राइंडर में। तो एक ग्राइंडर जार में हम अपना पुदीने का सल्यूशन लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च एंड अपना मैंगो का पल्प हम डालेंगे और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। आई डोंट प्रेफर लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारा आम पन्ना कंसनट्रेट बनकर बिल्कुल तैयार है। कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए। अब एक ग्लास का जार लीजिए एयर टाइट, और उसके अंदर आप इस सल्यूशन को डाल सकते हैं और फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको आम पन्ना पीने का मन हो आप ये जार निकालिए, चम्मच से अपने ग्लास में डालिए। एक ग्लास में कम से कम 1 टेबलस्पून आपको डालना चाहिए इस सॉल्यूशन को, बाकी एज पर योर टेस्ट। देन आप उसमें आइस क्यूब्स डाल सकते हैं, दिस इज़ एब्सोल्युटली ऑप्शनल, बट आइस क्यूब से फ्लेवर बहुत अमेजिंग हो जाता है। एंड देन आप इसमें ठंडा पानी डालिए, जस्ट मिक्स इट एंड एन्जॉय योर रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक। डू शेयर योर फीडबैक विद मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो।